अपनी करिश्माई वाणी से संबोधित करते हुए हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर पूनम सूरी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी आर्य पुत्र पुत्रियां, मैं आर्य समाज की इस महान परंपरा और उससे संबंधित सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस विशाल शक्ति स्रोत का, संस्कार की धारा का आचमन लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे पूनम जी बता रहे थे कि आर्य समाज में दो मुख्य धाराएं पिछले 130 साल से चल रही थी। और 130 साल के बाद आज ये पहला अवसर आया है कि जब दोनों धाराएं मिलकर के आगे बढ़ने का संकल्प कर रही है। ये बात मेरे लिए इतनी गौरवपूर्ण है, इतनी आनंददायक है, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब ये दोनों शक्तियां, दोनों संस्कार प्रवाह एक बनकर के नई दिशा, नया संकल्प लेकर के चलेंगे तो राष्ट्र का कितना कल्याण होगा, इसका मैं भली भांति अनुमान लगा सकता हूं। और इसके लिए मैं इस निर्णय प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी महानुभावों का अंतःकरण पूर्वक हृदय से धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। पूनम जी बता रहे थे कि गुजरात की धरती ने स्वामी दयानंद जी दिए, लेकिन इस बात में आप चलते चलते वो मेरे तक पहुंच गए। उस महापुरुषों के नामों की श्रृंखला में मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति का नाम जुड़े, ऐसा कोई हक मेरा बनता नहीं है।
वो महापुरुष इतने बड़े थे, उनकी चरण रज लेकर के हम कुछ अच्छा पा सके, उनके आशीर्वाद मिले, और हम सबको जिस समय जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को पूर्ण समर्पण के भाव से हम निभाएं, यही शक्ति हमें मिलती रहे ताकि हम देश का अच्छा कल्याण कर पाए। अठारह इस देश ने स्वातंत्र संग्राम के द्वारा अपनी आत्मिक शक्ति का दर्शन कराया था। शताब्दियों की गुलामी के बाद एक चेतना प्रकट हुई थी, और वह भी छुटपुट नहीं, दो पांच पचास आजादी के दीवानों के पराक्रम तक सीमित नहीं, एक प्रकार से पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। लेकिन इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, विदेशी ताकतों ने देश को फिर से एक बार दबोच दिया। उस पार्श्व भूमि को हम देखें, 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद के उन दिनों को याद करें, इतिहास के पन्नों को देखें, तब ध्यान में आता है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना क्यों हुई होगी, उसकी पार्श्व भूमि वो 1857 का स्वातंत्र संग्राम है। स्वामी दयानंद जी ज्ञान मार्ग के पुरस्कर्ता थे, वेद के प्रकाश में सत्य को पाकर के सत्य के प्रकाश को आने वाली पीढ़ियों को परिचित कराने का स्वामी दयानंद जी ने प्रयास किया था। वे स्वभाव से क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी होने के नाते वे अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना, परंपराओं को चुनौती देना, और वो भी परिस्थितियों से भाग करके नहीं, अपने आप को महान हिंदू संस्कृति आर्य परंपरा का सिपाही मानते हुए, उसके भीतर रहते हुए, उन्हीं घेरुए वस्त्रों को धारण करते हुए उसी समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये बहुत बड़ी ताकत लगती है। व्यवस्था से बाहर जाकर के आलोचना करना, अपने आप को बड़ा बताना अलग बात है, व्यवस्था के भीतर रह करके उसी परंपराओं का गौरव करते हुए जो काल बाह्य चीजें हैं उसको चुनौती देने के लिए एक अनन्य अनन्य प्रकार की शक्ति लगती है, और उस शक्ति के स्रोत पूज्य स्वामी दयानंद जी थे। और उस महापारस के विचार प्रक्रिया, चिंतन के प्रति समर्पण, ज्ञान के अधिष्ठान पर विचार मनन चिंतन, उसके आधार पर निरंतर प्रजा जीवन में प्योरिफिकेशन होता रहे, इस बात को उन्होंने बल दिया।
और उसी का परिणाम है कि महर्षि जी के जाने के बाद भी उतनी ही तीव्रता से, उतने ही समर्पण भाव से यह आंदोलन आज भी चल रहा है। और इसलिए उस विचार बीज की वो ताकत है, उस विचार बीज का वो सामर्थ्य है कि उसके कारण आर्य समाज रूपी एक विशाल वटवृक्ष आज पूरे देश को छाया दे रहा है, हमारे सपनों को पनपने का अवसर दे रहा है, चुनौतियों से जूझने का सामर्थ्य दे रहा है। और इसलिए मैं आज इस महान परंपरा, महान संगठन, इस महान आंदोलन को नमन करता हूं और पूज्य महर्षि स्वामी दयानंद जी के चरणों में भी वंदन करता हूं। इतना बड़ा विशाल परिवार, 20 लाख छात्र हो, 60,000 से ज्यादा आचार्य प्राचार्य हो, और जैसे पूनम जी बता रहे थे 2 करोड़ परिवारों से तो हमारा रोज का नाता रहता है, और 1 शताब्दी से ज्यादा समय से सेवा जिस संस्था ने की हो तो उसका एल्यूमना भी कितना बड़ा होगा। यहां तो आपने 40 लाख लिखा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं 40 लाख होगा, वो बहुत बड़ा विशाल परिवार होगा। ये सब मिलकर के हर वर्ष एक विषय तय करें और पूरी शक्ति उस विषय पर लगा दें। आप देखिए नतीजे नजर आने लगेंगे, दुनिया को ध्यान आएगा। अगर डीएवी तय कर ले कि 2020 में जब ओलंपिक होगा तब डीएवी का छात्र गोल्ड मेडल लेके आएगा, मैं कहता हूं कर सकते हैं। नए संकल्प क्या हो सकते हैं? नए संकल्प यही हो कि भारत की विश्व में गरिमा कैसे बढ़े। डीएवी का सिर्फ हिंदुस्तान में डंका क्यों बजे, दुनिया में क्यों ना बजे? और इसलिए जब आर्य समाज को 150 वर्ष होंगे 2025 में, 1875 में प्रारंभ हुआ आर्य समाज, 2025 में 150 वर्ष होंगे, क्या अभी से गुरुकुल परंपरा हो, डीएवी हो, आर्य समाज की और संगठनाएं हो, ये कोई 5 सूत्री 10 सूत्री कार्यक्रम बना सकते हैं कि आर्य समाज के 150 वर्ष जब मनाएंगे तब तक हम 2025 तक ये जो हमारे पास 10-11 साल है, 8-9 साल है, उसका उपयोग इन बातों को हम परिणाम तक ला करके रहेंगे, ऐसा संकल्प किया जा सकता है क्या? और तब मैं मानता हूं स्वामी दयानंद सरस्वती जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए अभी से एक रोडमैप बने। आर्य समाज को यह कहने की जरूरत नहीं है कि क्या करो क्या ना करो, उनकी मूल धारा ही
राष्ट्र के कल्याण के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें भारत का भला हो उसी में आर्य समाज को भलाई दिखती है। और इसलिए भारत का भला और 21वीं सदी का भारत, 18वीं शताब्दी का भारत नहीं, आधुनिक भारत, वैज्ञानिक भारत, विश्व का नेतृत्व करने की सामर्थ्य रखने वाला भारत, उस भारत के सपनों को पूरा करने के लिए हमने अपने आप को तैयार करना होगा। उसी प्रकार से अभी पूनम जी मुझे बता रहे थे कि हमें एक काम दीजिए आप और हम उसको करके दिखाना चाहते हैं। सामान्यतया ऐसे किसी फंक्शन में जाते हैं तो जो बुलाने वाले लोग होते हैं, बुलाते समय तो हमें बहुत बताते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी हो, आप आइए, हमारी शोभा बढ़ेगी, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, और जब जाते हैं तो मेमोरेंडम पकड़ा देते हैं कि हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। ये अक्सर हमारा अनुभव रहता है और वो गलत है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, स्वाभाविक भी है, लेकिन यहां मेरा अनुभव अलग हो रहा है। यहां मुझसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि मोदी जी हमें कोई काम बताओ। मैं इस बात को छोटी नहीं मानता हूं, बहुत बड़ी बात मेरे लिए है ये कि कोई मेहमान अपने के रूप में कहीं जाए और बुलाने वाला हमसे कुछ मांगे नहीं और ऊपर से ये कहें कि हमारे लिए कोई काम बताइए। तो मैंने पूनम जी को कहा, क्या लगता है क्या कर सकते हैं आप? तो उन्होंने कहा, क्या गंगा सफाई का जो आपका सपना है, क्या उसमें हम जुड़ सकते हैं? क्या हम हमारे डीएवी के छात्रों को गंगा सफाई के काम से जोड़ेंगे, हमारे शिक्षकों को जोड़ेंगे, हमारे अभिभावकों को जोड़ेंगे? गंगा सफाई का अभियान करते करते कई सरकारें आई और चली गई, पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे लगता है कि गंगा सफाई होके रहेगी अगर मुझे ये साथ मिल जाए। जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तो कोई समस्या समस्या नहीं रहती है, वो समस्या अपने आप में अवसर में पलट जाती है। और आज मैं देख रहा हूं कि डीएवी की ये शक्ति, आर्य समाज की शक्ति, गुरुकुलों की शक्ति, आर्य समाज से जुड़े हुए सभी साधु महात्माओं की शक्ति, ये जब गंगा सफाई के आंदोलन का हिस्सा बन जाए तो फिर तो गंगा सफाई, मैं नहीं मानता हूं, वो सपना कभी अधूरा रह सकता है। और यही नया संकल्प है, यही नया संकल्प है। और गंगा साफ हो तो सिर्फ वहां पर जाने आने वालों के लिए या नदी में रहने वालों के लिए नहीं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने वाली वो घटना होगी। और एक काम हम शुरू करें, हम गंगा को गंदी नहीं होने देंगे। एक बार हम तय कर लें कि हम गंगा को गंदी नहीं होने देंगे तो गंगा में अपने आप ताकत है, सफाई तो वो अपने आप कर लेगी। आज मुसीबत गंगा की वो नहीं है, मुसीबत हम है जो उसे गंदा करते हैं। एक बार गंगा तट पर रहने वाले सभी एक बार संकल्प कर लें
गंगा के दर्शन के लिए आने वाले लोग संकल्प कर लें कि हम गंगा को गंदी नहीं होने देंगे, तो गंगा सफाई सफल होने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। और डीएवी का ये 2 करोड़ का परिवार, ये 2 करोड़ का परिवार लग जाए तो मैं नहीं मानता हूं कि हमारी गंगा अशुद्ध रह सकती है। और जब हम आर्य समाज के 150 साल मनाएं, तब हम इस भारत माँ के चरणों में शुद्ध गंगा कैसे दें, साफ सुथरी गंगा कैसे दें, ये सपने लेकर के चले, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं। दुनिया कहती है 21वीं सदी एशिया की सदी है, कुछ कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। सदियों से यह पाया गया है कि जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है, भारत विश्व का नेतृत्व करता रहा है। 21वीं सदी भी ज्ञान की सदी है, और जब 21वीं सदी ज्ञान की सदी हो, स्वयं दयानंद जी ज्ञान मार्गी हो, और भारत के अंदर 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, हिंदुस्तान आज दुनिया में सबसे जवान है। और जिस देश दुनिया में सबसे जवान होता है तो उस देश के सपने भी जवान होते हैं, इरादे भी जवान होते हैं, संकल्प भी जवान होते हैं। और इसलिए इस देश की युवा शक्ति जो आज मेरे सामने मैं देख रहा हूं, ये 65% जनसंख्या, ये भारत का भाग्य ही नहीं, विश्व का भाग्य बदलने के लिए ताकतवर है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारे देश की इस अमूल्य विरासत, ये अनमोल संपदा, इसको राष्ट्र के कल्याण के लिए कैसे लाया जाए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए। और इसलिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय उठाए हैं, स्किल डेवलपमेंट, हम जानते हैं हम ग्रेजुएट हो जाएं, अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आएं, बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट हो, लेकिन जब समाज के अंदर पढ़ाई पूरी कर करके जीवनचर्या करने का प्रारंभ करते हैं, कहीं पर जाते हैं नौकरी पाने के लिए, उस नौकरी देने वाला पूछता है कोई एक्सपीरियंस है क्या, सबसे पहला सवाल पूछता है आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या, और उसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं। हमें ये पूछते हैं आपके पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन कुछ और आता है क्या, तब भी हम मुंडी नीचे कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे देश का नौजवान इस प्रकार से अपने आप को बिन उपयोगी समझने लग जाए, तो उसके हाथ में सर्टिफिकेट होना काफी नहीं है, उसके हाथ में हुनर होना आवश्यक है। और इसलिए हमने स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलाया है, देश के नौजवानों के पास कोई न कोई हुनर होना चाहिए और अपने पैरों पर खड़े रहने की उसमें ताकत होनी चाहिए। और मुझे विश्वास कि हमारे देश के नौजवानों को अगर सही अवसर मिल जाए
तो वो परिणाम प्राप्त कर करके ले सकते हैं, दे सकते हैं। और पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलाया है। हमारी सरकार बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट अलग मिनिस्ट्री बना दी गई, अलग बजट निकाला गया, अलग अफसरों की फौज लगा दी गई, ताकि हिंदुस्तान के कोटि कोटि नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट का लाभ मिले। और आने वाले दिनों में 2030 में दुनिया के हाल ये होने वाले हैं, कई देश ऐसे होंगे कि जहां पर नौजवान ही नहीं होंगे, सारे बूढ़े बूढ़े परिवार ही रहते होंगे, ऐसी स्थिति आने वाली है। सारे दुनिया को एक वर्कफोर्स की जरूरत होगी, और दुनिया को जो वर्कफोर्स की जरूरत है, वो वर्कफोर्स सप्लाई करने की ताकत अगर किसी में होगी तो हिंदुस्तान में होगी, और हमारा हिंदुस्तान का नौजवान अपने बलबूते पर दुनिया का भाग्य बदल दे, ऐसे दिन आने वाले हैं। हमने एक योजना शुरू की, मुद्रा योजना। हमारे देश के आर्थिक विकास में हमेशा दो विषयों की चर्चा चली है, या तो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। आर्थिक कारोबार चलाने के दो ही तरीके सामने आए हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। हमने नया विचार किया है, यहां जो अब बात आई है नई दिशा। हमने कहा प्राइवेट सेक्टर उसका अपना काम करे, पब्लिक सेक्टर अपना काम करे, फले फूले बहुत आगे बढ़े, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए एक तीसरे सेक्टर की जरूरत है, और उसको हमने कहा है पर्सनल सेक्टर। हर व्यक्ति में वो सामर्थ्य हो, अपने बलबूते पर खड़ा रहे, और वो जॉब सीकर न बने, जॉब क्रिएटर बने, दो को, पांच को, सात को वो रोजगार देने वाला बने, और इसलिए हम वो एक ताकत खड़ी करना चाहते हैं। समाज के छोटे छोटे लोग जिनको कभी बैंक के अंदर प्रवेश तक नहीं मिलता था, हमने मुद्रा योजना के तहत कहा है कि जो सामान्य लोग हैं, बाल काटने वाला नाई होगा, धोबी होगा, अखबार बेचने वाला होगा, दूध बेचने वाला होगा, चाय बेचने वाला होगा, सामान्य लोग समाज के, मुद्रा योजना से उनको पैसे दिए जाएंगे, और किसी भी प्रकार की गारंटी के बिना पैसे दिए जाएंगे, ताकि वो साहूकारों के ब्याज के चक्कर से मुक्त हो जाए, और उसको 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया चाहिए तो वो अपना कारोबार बढ़ा सकता है। आज अगर वो 2 लोगों को रोजगार देता है तो 5 को दे सकता है, कोई और काम नहीं कर सकता है तो नई शुरुआत कर सकता है, कोई ऑटो रिक्शा ला करके अपना गाड़ी चला सकता है, परिवार को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है, और इसलिए मुद्रा योजना शुरू की। और मुझे खुशी है कि हमने कोई ढोल नहीं पीटे, बड़े बड़े मेले नहीं लगाए, राजनीतिकरण नहीं करने दिया, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक मुद्रा योजना का पैसा दे दिया जा चुका है, और करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया कोई भी गारंटी के बिना इस देश के लोगों पर भरोसा करके देने का हमने निर्णय किया, कर दिया काम। वो देश की आर्थिक स्थिति को चलाएंगे। हमारी सरकार की नई दिशा यही है कि हम सामान्य मानवी पे भरोसा करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के नागरिकों पर आशंका करे, ये दूरियां मिटनी चाहिए। और हमने तय किया कि हम नागरिकों के प्रति विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। आपको पता होगा, यहां जो टीचर बैठे होंगे उनको तो बराबर याद होगा, पढ़ाई आप करें, मेहनत आप करें, रात रात जाग करके पढ़ाई आप करें, परीक्षा आप दें, मार्क्स आप लाएं, पोजीशन आपको प्राप्त हो, लेकिन जब कहीं नौकरी चाहिए, सरकार में अर्जी करनी है, तो आपका सर्टिफिकेट तब तक नहीं माना जाता है जब तक उस नगर का कोई राजनेता उस पर थप्पा नहीं मारता, सर्टिफाई नहीं करता,
तब तक वो आपका सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट नहीं माना जाता। ये नागरिकों के प्रति इससे बड़ा अविश्वास क्या हो सकता है। हमने आकर के निर्णय कर दिया कि ये सर्टिफाई करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना सर्टिफिकेट जेरोक्स करके भेज दीजिए, जब फाइनल निर्णय करना होगा तब ओरिजिनल लेकर के आना, देख लेंगे, बाकी बात चल जाएगी। नागरिकों पर भरोसा करना चाहिए, वैसा ही भरोसा हमने मुद्रा योजना में किया। कोई गारंटी नहीं, ले जाओ भाई करके जाओ। और मेरा मत है सामान्य मानवी गरीब आदमी ब्याज समेत पाई पाई चुकता कर देता है और समय से पहले चुकता कर देता है, वो कभी पैसे डुबोता नहीं है। और मैंने गरीबों की अमीरी को देखा है, अमीरों की गरीबी भी देखी है, लेकिन मैंने गरीबों की अमीरी को देखा है। जब हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना की और लोगों को कहा था जीरो बैलेंस अकाउंट खुलेगा, एक पैसा नहीं दोगे बैंक अकाउंट खुलेगा, क्योंकि मेरा इच्छा थी कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति का भी बैंक के ऊपर हक होना चाहिए। 60% लोग उसके बाहर थे, उनको लाना था, जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलने वाला था। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि सरकार ने तो मुफ्त में खाता खोलना तय कर दिया था, लेकिन हमारे गरीबों की अमीरी देखिए, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम मुफ्त में नहीं करेंगे, 5 रुपया 10 रुपया भी रखेंगे। और 30,000 करोड़ रुपया रखा लोगों ने, 30,000 करोड़ रुपया। अगर एक बार सामान्य मानवी पर भरोसा करें तो वो कितनी ताकत का दर्शन करा देता है, उसका ये नमूना है। हमने नौजवानों के लिए स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया अभियान चलाया है, स्किल डेवलपमेंट हो, मुद्रा योजना से पैसा मिले, स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया इनोवेटिव चीजें करें। खास करके हमारे दलित भाई बहन, हमारे शेड्यूल ट्राइब के भाई बहन, आदिवासी भाई बहन, वो भी अपने बलबूते पर अपने ताकत पर आगे आए, उसके लिए सरकार ने मदद करनी चाहिए। मैंने कहा समालोक ब्रांचेज को कि आप मुद्रा योजना से हर बैंक एक दलित को एक आदिवासी को बैंक के लोन दे। हिंदुस्तान में 1.25 लाख ब्रांचेज हैं, 2.5 लाख नए उद्योगकार है, ये हमारे समाज में से आ सकते हैं, गरीब दलित पीड़ित शोषित समाज में से आ सकते हैं। और काम तेज गति से चल रहा है, हमने स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया के द्वारा देश के नौजवानों को आह्वान किया है कि नई तरीके से कुछ करने का माजा रखिए, आइए सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और हम दुनिया के अंदर एक स्टार्टअप कैपिटल के रूप में बलबूते पर आगे बढ़े, ताकि हमारे नौजवानों को अवसर मिले। एक के बाद इस प्रकार के कार्यक्रम जिसके कारण समाज सशक्त हो, परिवार अपने पैरों पर चल सके, इतनी ताकतवर हो, परिवार के सपने पूरे हो, उन बातों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज देश सारी दुनिया ने माना है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, और भी कोई संगठन हो, हर किसी का कहना है कि दुनिया पूरी आर्थिक संकट से गुजर रही है, एक अकेला हिंदुस्तान आज पूरे विश्व में आर्थिक रूप से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। असामान्य स्थिति है, सारी दुनिया डूब रही है, उस समय हिंदुस्तान चमक रहा है, ये बात दुनिया के लोग कह रहे हैं। पिछले 1.5 साल में एक के बाद एक जो कदम उठाए, आज उसका नतीजा है कि आज हिंदुस्तान जो लार्जर इकोनॉमीज है, बड़ी इकोनॉमीज है, उसमें सबसे ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। हमारी सभी समस्याओं का समाधान एक ही बात में है, हमें मुसीबतों से मुक्ति एक ही बात से मिल सकती है, हमें गरीबी से मुक्ति एक ही बात से मिल सकती है, हमें अशिक्षा से मुक्ति एक ही बात से मिल सकती है, हमें बीमारी में दवाई एक ही बात से मिल सकती है,
और वो एक बात है विकास। विकास यही एक मार्ग है जो भारत के गरीब आदमी को संकटों से बाहर ला सकता है, मुसीबतों से बाहर ला सकता है। और इसलिए हमारी सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है विकास के कामों पर। देश तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए, कृषि में विकास हो, गांव का विकास हो, शहरों का विकास हो, गरीब को रोजगार हो, इन बातों पर हम बल दे रहे हैं और आज उसके अच्छे नतीजे दिखाई देने लगे हैं। और आज मैं जब आपके बीच आया हूं और आप वो लोग हैं जो समाज के लिए कुछ न कुछ करने के संस्कार से जुड़े हुए हैं, जो भी सात्विक शक्तियां हैं उन्होंने आज प्रखरता से काम करने की आवश्यकता है। जितनी सात्विक शक्तियां एक बन करके प्रखर होकर के आगे आएगी, इस देश को रोकने के सपने देखने वालों के सपने चूर चूर हो जाएंगे। इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़े। मैं फिर एक बार आचार्य जी का, पूनम जी का, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आज आप सबके बीच आने का अवसर मिला और पूज्य स्वामी दयानंद जी को स्मरण करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार कुलगुरु, गुरुओं के भी गुरु,